चले हरिद्वार से खबर बताते हैं, जहां हुई आफत की बारिश है। खड़खड़ी सूखी नदी में बही तीन गाड़ियां, तेज बहाव में बहती हुई नजर आई हैं गाड़ियां। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश शुरू हो गई है, मानसून ने दस्तक दे दिया। तो ये देखिए, और इस पर देखिए गाड़ियां बह रही, तो लड़के मस्ती भी कर रहे हैं, गजब है ये वीडियो। तो आप देखिए, ये खड़खड़ी सूखी नदी थी, फिर लोग पार्किंग करके गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी और ये बह गई। अचानक तेज बहाव आ गया और देखिए कुछ लोग ये देखिए मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी बह रही है तो कुछ लड़के आपको मस्ती करते नजर आएंगे। हरिद्वार में झमाझम बारिश, बारिश में पानी के कारण गंगा नदी में उफान, बारिश के पानी में छह गाड़ियां तेज बहाव में बहती हुई नजर आएंगे आपको। तस्वीरों में देख सकते हैं छह गाड़ियां बह गई। तो गंगा में उफान है, तेज बहाव है। करण खुराना हमारे साथ अमर सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। करण, ये जो छह गाड़ियां खड़खड़ी नदी में खड़ी थी और अचानक बारिश में बह गई, क्या ये सूखी नदी रहती है जहां अक्सर लोग अपनी पार्किंग कर देते हैं, इसी वजह से ये गाड़ियां बह गई? बिल्कुल, ये एक सूखी नदी एक स्थान है जो अड़की पौड़ी से थोड़ा सा आगे है और यहाँ पे पास में शमशान घाट भी है। तो आमतौर पर यहाँ पे लोग जो आते हैं वो अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, एक सूखा रफ्ता सा है। लेकिन तेज बारिश होने पे पहले भी वहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में जल आया हुआ है, लेकिन चूंकि लोग बारिश के बाद वो स्थिति भूल जाते हैं तो इसी कारण से वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और आज जब ये तेज बारिश आई तो ये सारी गाड़ियां एक एक करके बह गई, जिसमें बड़ी से बड़ी गाड़ी 7 सीटर गाड़ी भी है और छोटी 5 सीटर गाड़ी। जी करें, ये मानसून की दस्तक का भी एहसास है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार अब बारिश शुरू हो गई तो उसका असर अब मैदानी इलाके खासकर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मानसून के लिए लोग तत्परता से इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन मानसून की पहली बारिश ही एक तरह से आफत लेके आई है। और जिन यात्रियों की गाड़ी भाई है कहीं ना कहीं वो इस हादसे से मायूस होंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया करण खुराना, हमारे सहयोगी बताया हरिद्वार में आफत की बारिश आपको दिखा रहे, तेज बहाव में भाई गाड़ियां, छह गाड़ियां बह गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगा में उफान और तेज बहाव, खड़खड़ी नदी में खड़ी थी बताया जा रहा, उसके किनारे गाड़ियां खड़ी थी। हालांकि अमूमन होता नहीं कि पानी हो, लेकिन जिस तरह मौसम बदल रहा है और पहाड़ों से तो नदियों में अचानक ही पानी आता है, क्योंकि पहाड़ों पर तेज बारिश होती है तो अचानक तेज बहाव देखने को मिलता है और वही तस्वीरें यहां नजर भी आ रही है। तो तस्वीरें हरिद्वार की, गंगा में उफान, तेज बहाव में बह गई छह गाड़ियां। और देखिए कुछ युवा तो आप देख सकते हैं बहती हुई गाड़ियों के ऊपर चढ़कर मस्ती करते हैं नजर आ रहे हैं। तो गाड़ियां आप देख सकते हैं, लोगों का हुजूम उमड़ा आया। ये हरकी पौड़ी के पास की ये तस्वीर बताई जा रहा है, जहां हरकी पैड़ी है वहीं पर ये खड़खड़ी नदी है, जहां अक्सर अमूमन लोग सोचते हैं कि यहाँ पानी नहीं आएगा, उसके आसपास ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। उसी दौरान तेज बारिश हुई, बारिश के बाद अचानक नदी में उफान आया और नदी में उफान आया तो ये छह गाड़ियां पानी में बह गई। एक के बाद एक गाड़ी पीछे आती हुई नजर आपको आएगी।